अधोआए कैली घरवा दुआर बुघरली, वो एक एक क्रम कैसे कैसे किया, थेकुई थेकुआ बनौली रे हजार, ए वो छठी महीना। ये थेकुआ बना करके मैं अब तुम्हारे सामने आ रही हूँ। ये एक कई दिनों से गेहूं को साफ करना, भिगोना, धोना, नरम गेहूं को, उसका फिर थेकुआ बनाना, उसको मारना। रसोई में कोई नहीं प्रवेश कर सकता, बिना नहाए धोए कोई नहीं प्रवेश कर सकता। बाजार में भी यदि लाना, यदि वृक्ष से तोड़ कर नहीं ला सकते तो सबसे साफ सुथरे फल को लेके आना। इन सब गतिविधियों का गीतों में वर्णन, तो गीत तो बताते हैं, कहीं कोई भटक जाए नियम कि क्या होना चाहिए, गीत बताते हैं। एक गीत है जिसमें कि वर्णन इसी बात का है कि कैसे किसी व्रति ने, उसके यहाँ अमरूद का पेड़ है और अमरूद को उसने लगा के ले, झूठिया सुगा दीहन झूठिया, मारी बोरे सुगना दनुख से, सुगा गिरे मोर जान। मैं ऐसा बाण चलाऊंगी, जब उनसे सूर्य से कहूंगी वो ऐसा बाण चलाएंगे कि सुगा बचेगा नहीं। और तब उसकी पत्नी सुगनी जे रोवेली वियोग में, आदित होत ना सहाय, आदित होत ना सहाय। उसके मन की कामना ऐसी आकांक्षा है कि जिस समय वो दंड मिलेगा तो सुगनी भी रोएगी तो सूर्य सहायता नहीं करेगी। तो गीतों में व्रत के महात्म्य, अनुष्ठान पर्व कैसे होता है, इनका वर्णन है। आप देखिए, इतने कठिन व्रत को ताकत कहाँ से मिलती, गीतों से। अपने घर से चलते चली जा रही है, भीगे कपड़ों में जब वो अर्घ देती है तो वस्त्र नहीं बदलती, वैसे ही घर में आ करके, और फिर 3 दिन के पूरे कठिन अनुशासन के बाद भोजन करती है। और ये व्रत का मैं सबसे बड़ा एक जो ताकत बताऊंगी कि वो सब कुछ इसमें, जैसे आज कल शब्द चला है, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछला रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तुहरी जे बानी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए, होई ना बलम जी कहरिया, होई ना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँ